मैथ सेकंड चैप्टर एरिया रिलेटेड सर्किट सेक्टर एंड सेगमेंट पर आज प्रॉब्लम होगी। एक्सरसाइज आपको है एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। इसका सलूशन कैसे हम लोग निकालेंगे? सलूशन, एक सर्किल बनाइए जिसका सेंटर O है, एक सेक्टर O A P B, R किसमें कितनी है A B, A P B। सेक्टर का एंगल दिया गया है 60 डिग्री और रेडियस आपको है कितना 6 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाइए आप, फार्मूला सेक्टर का फार्मूला, फार्मूला ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर को एबी इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के प्लेस पर क्या रखोगे 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर वैल्यू 6 × 6, 60 से 360 काटेंगे 6 आ जाएगा, इस 6 से 6 कट जाएगा, आ गया आपको कितना 22 × 6/7 और हर गणन कितना आ जाएगा 132/7 cm². 122/7 cm² आंसर आपको हो गया। आंसर आप क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर 132 upon 7 cm². फिर से देख लीजिए, सवाल क्या थे? फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। इसमें रेडियस आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, सेक्टर का एंगल दिया 60 डिग्री। फार्मूला आपका होता है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 रखिए, आर की वैल्यू 60 रखिए और साथ कर लीजिए, आपको आ जाएगा 132/7 cm². फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल हूज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसका सलूशन देखिए, सलूशन, एक सर्किल बना लीजिए आप, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बनाइए इसमें का, ये है क्वाड्रेंट, एक वन टू थ्री चार क्वाड्रेंट होंगे सर्किल में और चारों एंगल आपको 90 डिग्री देंगे, कितना रहेगा 90 डिग्री। आपको सर्कमफेरेंस निकालना है, आपको 22 दिया गया है, क्वाड्रेंट एरिया निकालनी है, तो एंगल आपको यहाँ पर हो गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, हर क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा 90 डिग्री और सर्कमफेरेंस दिया गया है आपको यहाँ पर 2πr इज इक्वल टू 22, तो यहाँ पर आ जाएगा r रेडियस निकाल लिया जाएगा 22/2 × π और 22/7 cm². इसकी रेडियस निकल गई आपको 7/2 cm। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इधर फार्मूला लगा लीजिए आप,
इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 90 डिग्री, 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7/2 का स्क्वायर करेंगे, 7/2। 90 से 360 काट देंगे आपको आ गया, इस 7 से 7 काट देंगे हम लोग तो आ गया कितना, 1/4 इंटू 22 इंटू 7/4 2 × 4 पूरा गया तो आपको कितना जाएगा, 2 से यहाँ कट जाएगा, ये 2 यहाँ 11 आ गया, 11 7 × 77/8 कितना आ गया, 8। यही फार्मूला आंसर बन गया आपको, आंसर आ गया आपको, एक क्वाड्रेंट के लिए कितनी आ गई, आंसर आपको आ गया 77/8 cm स्क्वायर। एक क्वाड्रेंट के, हर क्वाड्रेंट के एरिया इतनी ही होगी, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। सलूशन देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, एक क्लॉक बनाना है आपको ऐसे, 12 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 इस तरीके से है, यहाँ पर 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 11 एक क्लॉक बन गई। यहाँ पर 5 मिनट कितना होता है, यहाँ पर ये 5 मिनट हो जाएगा, 12 से 1 पर जाएगी मिनट की सुई तो 5 मिनट हो जाएगा। और इस प्रकार से 12 आपको यहाँ पर खाने हैं तो 5 मिनट में 13 डिग्री बन जाएगा, हम लोग निकाल लेंगे। एंगल स्वीप्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट में कितना हो जाएगा, फाइंड द एरिया ऑफ स्वीप्ड निकालना, आपको एरिया कितना निकालनी, कितनी एरिया निकालनी है आपको, ये 5 मिनट हो जाएगा। इसका एंगल निकाल लेते हैं हम लोग, एंगल स्विफ्ट बाई मिनट हैंड, मिनट हैंड इन 5 मिनट में, 5 मिनट में कितने एंगल कवर करेगा वो, कैसे पूरा एंगल कितना होता है सर्कल का, 360 अपार कितने खाने हैं इसमें, 12 काट देंगे, 12 60 यहाँ पर आकर 30 डिग्री, यानी कि 5 मिनट में कितना एंगल कवर होगा, 30 डिग्री आ गया। और आपको रेडियस दी गई है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर गिवन है आपके पास, आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंगल आपको निकल गया। तो एरिया आप सेक्टर बन गया, एक सेक्टर का निकाल लीजिए, एरिया एरिया आप सेक्टर का फॉर्मूला लगा लीजिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के प्लेस पर हम लोग रखेंगे 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है आपका, अपॉन 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, 22/7। आर की वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, 14 × 14। 360 कितना कट गया आपको, 6 आ गया, 7 2 हो गया, तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1/6 इंटू 22 × 2 × 14। यहाँ से आपको 2 से यहाँ कट गया, 3 आ गया, यहाँ पर 22 × 14 अपॉन 3 आ गया, ये कितना जाएगा,
22 और 6 है 2 3 जा 6 कट गया 2 3 जा 6 और अलेवन इंटू 14 इंटू बाई 3 आ जाएगा कितना 154 अपॉन 3 cm स्क्वायर। तो आपको 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री, कितने से डिवाइड करेगा 360.12 30 डिग्री आ गया। आपको रेडियस दिया गया 4 सेंटीमीटर, एरिया सेक्टर में रखेंगे, थीटा के बटू 30 डिग्री, आर के बटू 14 सेंटीमीटर और हल कर लेंगे, आ जाएगा आपको एरिया 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 4 देखो, ए कार्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट निकालना है आपको माइनर सेगमेंट, सेकंड निकालना है मेजर सेक्टर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सोलूशन में एक सर्किल बना लेंगे, एक कार्ड बनाइए आप, ये सेंटर है आपका, कार्ड ए भी ले लीजिए आप, सेंटर ओ है आपका, आपको ए सेगमेंट है आपका ए पी बी, आप सेंटर से मिला दीजिए कार्ड को, ये गिवन 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो आपको इसमें पहला निकालना क्या है, रेडियस आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, गिवन में आप लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू, ये भी गिवन है आपको 90 डिग्री, सेक्टर का एंगल 90 डिग्री है आपके पास। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सेगमेंट का माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, इसके लिए पहले हम लोग इस सेक्टर के एरिया निकालेंगे और फिर इस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे ओ ए बी के एरिया, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस करेंगे तब हमको ये माइनर सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। तो हम लोग पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको दो दो मिनट रुकेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी फॉर्मूला लिखिए आप, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल गई, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी के एरिया निकल गई आपको 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गई। ओ ए बी ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकालना है, इसके लिए हमारे पास केवल आपके हमारे पास है रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसके लिए हम लोग को इसे परपेंडिकुलर डाल देंगे, परपेंडिकुलर तो ए कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब लोग इसमें कास थीटा लगा देंगे, मान लीजिए कि एंगल ए कितना आपका सी है, ये पॉइंट सी है, तो इन ट्रायंगल ओ ए सी में ए 45 डिग्री हो जाएगा, कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओ ए सी में, कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओ सी अपान ए सी, ओ सी निकालना है आपको हो जाएगा ए सी, नहीं ओ सी अपान ओ ए कितना हो जाएगा ओ ए, ओ ए कास थीटा, ओ ए 10 है आपके पास, कास थीटा कास 45 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 1/√2, कास 45 तो वैल्यू कितनी होती है 1/√2,
हो जाएगा 10/√2 सेंटीमीटर, हमको उसे निकल गया 10/√2 सेंटीमीटर। इसी ट्रायंगल हम लोग साइन थीटा निकाल लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ओ ए। तो यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए साइन थीटा डी। ओ ए कितना है हमारे पास 10 इंटू साइन थीटा कितना है साइन 45, कितना आ गया 10 इंटू ए बी कितना हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2 times ऑफ ए सी हो जाएगा 10 × 10√2 आ जाएगा 20/√2 सेंटीमीटर। पूरा ए बी कितना निकल गया हमारा 20/√2 सेंटीमीटर और ओ सी कितना निकला हमारे पास 10√2। तो बेस हमारा पास आ गया 20/√2 और परपेंडिकुलर आ गया 10/√2। अब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे हाफ ट्राइंगल ओ ए बी का, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो हाफ इंटू बेस कितना है 22/√2 इंटू परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 10√2 ये हो गया 200/√2 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा और आ जाएगा 50 cm² एरिया हाफ ओ ट्राइंगल के एरिया ओ ए बी कितना निकलेगी हमारे पास 50 cm². अब हम लोग पूरे सेक्टर के एरिया में ट्राइंगल के एरिया माइनस कर देंगे और आ जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट की एरिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेगमेंट और कितना हो जाएगा हमारे पास ए कितना निकला हमारे पास 78.5 माइनस ए 50 कर देंगे पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट के एरिया निकल गई 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे मेजर सेक्टर के एरिया निकालेंगे निकालने आपको एरिया हाफ मेजर सेक्टर निकालना है आपको। तो मान लीजिए क्यू है तो एरिया आपको क्या किसके निकालनी है ए क्यूबी की। तो ए मेजर एरिया मेजर सेक्टर यहाँ क्या बन रहा है आपको ए क्यूबी कितना हो जाएगा आपको पूरे सर्किल के एरिया निकाल लीजिए एरिया ऑफ सर्किल माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की सेगमेंट ए है पूरा सेक्टर ए है सेगमेंट आपको ये जो आपको ग्राफ दिया गया है ए पी बी का है एरिया है ये सेगमेंट है आपका ओ ए पी बी सेक्टर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर निकालेंगे माइनस एरिया ऑफ सेक्टर भी हम लोग निकाले थे 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप पाई की वैल्यू 3.1 वो रखेंगे और 10 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस 78.5 ये कितना हो जाएगा आपको 314 हो गया 100 मल्टीप्लाई कर दें 314 माइनस 78.5 और माइनस कर देंगे आ जाएगा हमारा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारी मेजर सेक्टर के एरिया निकल गए। मेजर सेक्टर के एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग ए पूरे सर्किल एरिया पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे आर के वैल्यू 10 रख करके। उसके बाद ये जो पहले से निकाले हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए बी बी की 78.5 दोनों को माइनस कर देंगे आ जाएगा हमारा 235 सेंटीमीटर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।